नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके का पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं। याद रखना, हमने आप लोगों के लिए लूसेंट जीके का निचोड़ करके 1000 नए प्रश्नों का संग्रह तैयार कर रखा है, जो आने वाले सभी एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम हो जहाँ जीके आती है, रेलवे, एसएससी, पुलिस, सीटेट या फिर स्टेट लेवल पर कोई एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलेगा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिल्म चोखरवाली के निर्देशक कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जी हाँ, फिल्म चोखरवाली के निर्देशक हैं रितु प्रणव घोष। कौन है? रितु प्रणव घोष, ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पागल बादशाह के नाम से किसको जाना जाता था? किसको जाना जाता था पागल बादशाह के नाम से? मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था पागल बादशाह के नाम से। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है, यानी कौन सी गैस भरी होती है फुटबॉल में? तो फुटबॉल में भरी होती है हीलियम गैस। कौन सी गैस? हीलियम गैस भरी होती है फुटबॉल में। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हीलियम। डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है पंजशीर घाटी? तो अफगानिस्तान में स्थित है। कहें अफगानिस्तान में स्थित है पंजशीर घाटी। बी रहेगा राइट आंसर, अफगानिस्तान। नेक्स्ट, डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? कहाँ? वाराणसी में होता है डीजल इंजन का निर्माण। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वाराणसी। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन कैसा कण है? कैसा कण है न्यूट्रॉन? आवेशहीन कण है न्यूट्रॉन। कैसा कण है? आवेशहीन। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? किसने कहा था? बेंजामिन डिजराइली ने कहा था 1857 के सिपाही विद्रोह का सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच हुआ था? किनके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाक जलडमरू किन देशों के बीच में स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जलडमरू। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, भारत एवं श्रीलंका। सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रानी लक्ष्मीबाई। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीटीआई कहाँ की प्रमुख समाचार एजेंसी है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारत की है। तो डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर करता है कार्य रॉकेट? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी रेबीज के टीके की खोज? लुईस पाश्चर ने की थी, लुईस पाश्चर ने। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लुईस पाश्चर। नेक्स्ट है, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य की है? गुजरात राज्य की है सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट है, एफिल टावर किस देश में है? किस देश में है एफिल टावर? तो एफिल टावर फ्रांस में है। कहाँ? फ्रांस में। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फ्रांस में स्थित है एफिल टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है, सर्वाधिक मात्रा में भूपटी पर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। सर्वाधिक मात्रा में भूपटी पर पाया जाने वाला तत्व डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है कुनेन? सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है, कुनेन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे कृष्णदेवराय? बाबर के समकालीन थे, कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, माल प्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है माल प्रभा परियोजना? कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, कर्नाटक ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? आठ है। भारत में संघ शासित प्रदेशों की वर्तमान में संख्या और राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 यूटी। नेक्स्ट है, रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहां पर करता है? रेलवे पहिया और धुरी का जो निर्माण है कहां करता है? बेंगलुरु में करता है। कहां? बेंगलुरु में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो शोभ मंडल में घटित होती हैं अधिकांश मौसमी घटनाएं, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, शोभ मंडल डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कि कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, घग्गर नदी। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति पूछा है कब हुई थी, तो 483 ईसी पूर्व में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोहन जोदड़ो की खुदाई यानी उत्खनन किसने करवाई थी? किसने? राखलदास बनर्जी ने करवाई थी मोहन जोदड़ो की खुदाई उत्खनन, यानी बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, टेलीग्राफी का आविष्कार किया था मार्कोनी ने, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है इंजन की चाल मापने के लिए, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, राजस्थान डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। कौन थे? सिमुक थे सातवाहन वंश के संस्थापक, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, राजगृह। नेक्स्ट है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था, चौहान वंश का संस्थापक, बी रहेगा राइट आंसर, वासुदेव बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? येन के नाम से जानते हैं, येन कहा जाता है जापान की मुद्रा को, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, येन। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद हैं। कौन है? अबुल कलाम आजाद हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक, सी रहेगा राइट आंसर, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? किस योजना के तहत किया गया भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन? तो माउंट बेटन योजना के तहत किया गया, माउंट बेटन योजना के तहत किया गया भारत और पाकिस्तान का विभाजन, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है?
के सिद्धांत पर अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को किसने शांत करवाया, किसने शांत करवाया था इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को, तो जनरल नील ने शांत करवाया था। तो ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, जनरल नील भी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है, राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है, तो ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है राइटर्स, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया, तो ये 1564 में किया था, 1564 में समाप्त किया था अकबर ने जजिया कर को, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शक राजा को युद्ध में किसने हराया था, शक राजा को युद्ध में किसने हराया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था शक राजा को युद्ध में, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बिल्कुल शक राजा को युद्ध में हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, किसके दरबार में आया था मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, सवेज नहर की लंबाई कितनी है, सवेज नहर की लंबाई कितनी है, तो 160 किलोमीटर है सवेज नहर की लंबाई, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, 160 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है, आप किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है, तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख समाचार एजेंसी है आप, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिन्हुआ किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है, सिन्हुआ किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है, तो चीन की है, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, चीन। नेक्स्ट है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, खुशवंत सिंह हैं, ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक बी रहेगा राइट आंसर, खुशवंत सिंह बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जापान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, जापान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो आइविस है जापान का राष्ट्रीय पशु, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आइविस ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने की थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने की थी, हंटर आयोग ने की थी, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक तमिल शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है, किसको माना जाता है आधुनिक तमिल शैली का जन्मदाता, सुब्रमण्यम भारती को माना जाता है आधुनिक तमिल शैली का जन्मदाता, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, सुब्रमण्यम भारती, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सात ताल झील भारत के किस राज्य में है, सात ताल झील भारत के किस राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है सात ताल झील, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, किस आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, किस आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, तो सरकारी आयोग का संबंध है, याद रखना केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, किस आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, सरकारी आयोग का। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है, किसको उपराष्ट्रपति को सौंपता है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा, डी रहेगा राइट आंसर, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है,
जी हाँ, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 5 वर्ष। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया है? तो उद्योगों का महत्व प्रदान किया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कैंडिला किस भौतिक राशि का ऐसे मात्रक है? कैंडिला किस भौतिक राशि का ऐसे मात्रक है? ज्योति तीव्रता का है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ज्योति तीव्रता बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है खजुराहो का मंदिर। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेग का ऐसे मात्रक क्या है? क्या है? मीटर पर सेकंड है वेग का ऐसे मात्रक, डी रहेगा राइट आंसर, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, डी रहेगा राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले, अच्छे से याद रखना। अच्छा, एग्जाम में आ जाए कि कब की थी, तो याद रखना आप लोग दोस्तों 1905 में की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से, डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो याद रखिएगा, पारसी धर्म का पूजा स्थल है अग्नि मंदिर, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, पारसी धर्म बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसको विजय मिली? किसको विजय मिली? अहमद शाह अब्दाली को, याद रखना विजय मिली पानीपत के तीसरे युद्ध में, ये आप लोग अच्छे से याद रखना, बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पानीपत का जो पहला युद्ध कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, तो याद रखना पानीपत का जो दोस्तों प्रथम युद्ध है, प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। अच्छा, द्वितीय कब हुआ था? द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। तृतीय कब हुआ था? तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, ये आप लोग अच्छे से दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में दोस्तों स्थित है अमरनाथ गुफा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जी हां, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी रीता फारिया, रीता फारिया, तो ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है ब्लैक पैगोडा का मंदिर, डी होगा राइट आंसर, उड़ीसा डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिखवाद का पतन किस सदी में हुआ? किस सदी में? 15वीं सदी में हुआ था सिखवाद का पतन, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, 15वीं सदी सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जातीय संसद कहते हैं बांग्लादेश की संसद को, ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जी हाँ, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है, लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है? तो लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर वह दिखाई देता है काले रंग का। किस रंग का? काले रंग का दिखाई देता है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं शतरंज बोर्ड में। कितने? 64 वर्ग। डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 में। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी करती है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, किडनी। नेक्स्ट है, गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो 1961 में, 1961 में आज़ाद हुआ था गोवा। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोकिला अय्यर थी। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, चोकिला अय्यर। ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, डोगरी किस राज्य की भाषा है? डोगरी किस राज्य की भाषा है? जम्मू कश्मीर राज्य की भाषा है डोगरी। तो बी रहेगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है? पंजाब राज्य में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पंजाब। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? तो मैथिलीशरण गुप्त हैं। याद रखना, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक, ए रहेगा राइट आंसर, मैथिलीशरण गुप्त। ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, सबसे लंबी गंगा है। तो सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना इंसुलिन हार्मोन का कार्य है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किस रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? किस रेखा पर होते हैं दिन रात बराबर? विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विषुवत रेखा। डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो मारिया एसाबेल पेरोन थी। मारिया एसाबेल पेरोन, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, शाहजहां। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा? किस वर्ष दिखाई देगा? पुनः 2062 में दिखाई देगा हेली धूमकेतु। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है? शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है कौन? इंसुलिन करता है शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, इंसुलिन। नेक्स्ट है, सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है सूर्य के प्रकाश में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दीन बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? किसको? सी एफ एंड्रूज को जाना जाता है दीन बंधु के नाम से। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सी एफ एंड्रूज। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? कितने घंटे की? 12 घंटे की होती है विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? कौन सा है? अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है?
तो इंग्लैंड है। भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला प्रथम देश, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, इंग्लैंड। नेक्स्ट, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? कौन है? चीन है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, चीन। सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है मदर टेरेसा विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, सत्यफल का निर्माण किससे होता है? किससे होता है सत्यफल का निर्माण? तो अंडाशय से होता है सत्यफल का निर्माण, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अंडाशय ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, असत्य फल का निर्माण किससे होता है? असत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से, जायंग से और पुंकेसर से, यानी डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हुंड्रो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रो जलप्रपात पूछा है किस नदी पर स्थित है, तो सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंड्रो जलप्रपात, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सुवर्ण रेखा सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वाजिद अली शाह, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, मौन घाटी साइलेंट वैली कहाँ है? कहाँ? केरल राज्य में है साइलेंट वैली, बी रहेगा राइट आंसर। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाएं। चलिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।